हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजे मोटर्स। आज स्पेशली गर्ल्स के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। ये जो गाड़ी है प्लेजर प्लस, ये करीबन 15 साल से इसकी हीरो के पोर्टफोलियो में है, जो एक्टिवा को अच्छी खासी टक्कर दे के बैठी हुई है। और गर्ल्स की फर्स्ट प्रेफरेंस ये स्कूटर रहती है। हमने मार्केट में आज तक ये स्कूटर को बड़े लंबे टाइम से एक्टिवा के साथ कंपटीशन करते हुए देखा है। तो आइए जानते हैं अब 2023 में हीरो क्या ऑफर करता है न्यू प्लेजर प्लस एक्सटेक में। तो पहले हम इसके कलर्स देख लेते हैं। कलर्स काफ़ी टेंगी और गर्ल्स को, स्पेशली टीन्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। फंकी कलर है। पहला कलर है ब्लू, यह है इसका 360 व्यू। कमेंट में बताइए कौन सा कलर आपको पसंद है। इसके बाद मेट रेड, ये डल फिनिश में रहेगा, ग्लोसी फिनिश नहीं रहेगी, मगर लुक काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद रहेगा मैट ब्लैक, ये नया कलर है, हीरो की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है। ये है कुछ इसके लुक। फिर येलो में इसका लुक कुछ ऐसा लगेगा। ग्रे कलर भी काफ़ी बढ़िया है, ग्रे के साथ ये क्राउन का टच काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है स्कूटी को। ये ब्लू कलर है। उसके बाद स्पोर्ट्स रेड कलर है, ये शाइनिंग वाला रेड कलर है, वो मैट वाला था। इसके बाद व्हाइट कलर भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आपको कौन सा कलर पसंद आता है कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइए। अब इसके थोड़े बहुत फीचर्स देख लेते हैं। तो पहला फीचर हम इसके एक्सटेक में आपको क्या मिलेगा, एक्सटेक कनेक्टेड जो इसका फीचर्स है उसके अंदर। पहले आपको व्हीकल सिक्योरिटी, जिसमें आपको रिमोट इमोबिलाइजेशन और बैटरी रिमूवल अलर्ट, जियो फेंसिंग भी आप कर पाओगे, लाइव ट्रैकिंग भी आप ये गाड़ी में कर पाओगे, जैसे कि इमोबिलाइजर बैटरी रिमूवल का, जियो फेंसिंग का और लाइव ट्रैकिंग का फीचर। अब सेव और सेल, ये फीचर्स सारी गाड़ियों में होना चाहिए, स्पेशली वो गाड़ी जो रजिस्टर होती है लेडीज़ के नाम पर और लेडीज़ चलाने वाली होती है, उसमें सेव और सेल्फ का बटन होना ज़रूरी है। ये व्हीकल डिपार्टमेंट को कंपलसरी बनाना चाहिए। शेयर लोकेशन, एक्सीडेंट ड्रॉपल अलर्ट और स्पीड अलर्ट भी आपको सेफ्टी के अंदर मिल जाएगा। कन्वीनियंस के अंदर आपको व्हीकल डायग्नोस्टिक मिल जाएगा, यानी आपकी गाड़ी में कोई सेंसर में खराबी आ गई है या फिर कोई ट्रबल शूटिंग है, तो फटाफट से आपके मोबाइल में आपको दिखा देगा कि ये सेंसर में खराबी आई है। फिर आप वहाँ से ही एप्लीकेशन में से आप सर्विस बुक करवा सकते हो। रोड साइड असिस्टेंट भी आपको मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट वॉल्ट, यानी आपका गाड़ी का ये PUC है, लाइसेंस, इंश्योरेंस है, गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स RC वगैरह सब उसमें आप रख पाओगे। रियल टाइम डाटा आपको देखने को मिलेगा, माइलेज क्या है, स्पीड क्या है, ये सब आप चेक कर पाओगे। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी, जिससे आप कॉल और SMS अलर्ट आपकी फ़ोन में भी देखने को मिलेगा। ड्राइविंग अलर्ट में आपको ड्राइविंग रिपोर्ट, ट्रिप एनालिसिस और ड्राइविंग स्कोर भी देखने को मिलेगा। ड्राइविंग स्कोर में आप चला कैसे रहे हो, वो हिसाब से आपका बिल्ट इन एक डेटा रहता है, उससे कैलकुलेशन लगा के आपका ड्राइविंग बिहेवियर अच्छा करने के लिए एक ये स्टेप है, जिसका यूज़ करके आप अच्छी माइलेज निकाल पाओगे। अब एक्सटेक में मेन हाइलाइटेड फीचर है इसका प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प, जो काफ़ी बढ़िया थ्रो करता है, रात को आपको विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले। दूसरा है सेमी डिजिटल ऑडोमीटर, जिसमें आपको कॉल और SMS अलर्ट आपको मिल जाएगी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। उसके साथ आपको साइड स्ट्रेन इंडिकेटर मिलेगा, IPS भी मिल जाएगा, चेक लाइट, लो फ्यूल इंडिकेटर, हाई बीम और ये इंडिकेटर का भी आपको
अलर्ट देखने को मिल जाएगा। रियर सीट में आपको बैक रेस्ट भी मिल जाएगा, जिससे पिलियन की राइडिंग काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है लॉन्ग जर्नीज के लिए। आपको स्टाइलिश क्रोम फिनिश साइड मिरर देखने को मिल जाएंगे, जो ब्लेजर प्लस का लुक काफ़ी एनहेंस करने में मदद रूप रहते हैं। मेटल फ्रंट फेंडर मिल जाएगा, जो आजकल मिसिंग हो रहा है काफ़ी सारे स्कूटर से, मगर हीरो ने अभी तक ये चीज़ कैरी करी हुई है, तो ये काबिल तारीफ है हीरो के लिए। IPS टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी, जिससे आप ट्रैफिक में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा स्कूटर और आपके फ्यूल की सेविंग अच्छी खासी हो जाएगी। इंजन आपको देखने को मिलेगा एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHC 110.9 cc का, जो आपको 8 हॉर्स पावर 7000 RPM पर निकाल के देगा और 8.7 Nm का टॉर्क 5500 RPM पर निकाल के देगा। 9.5:1 का कंप्रेशन रेशियो रहेगा। इलेक्ट्रिकल स्टार्ट और किक स्टार्ट में दोनों में आपको देखने को मिल जाएगी ये गाड़ी। व्हील्स और आपके रहेंगे फ्रंट में 90x100 का 10 इंच का ट्यूबलेस टायर, और रियर में भी सेम 90x100 का 10 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा। अब सस्पेंशन में थोड़ा हीरो ने हमको परेशान कर दिया है, यानी आउटडेटेड सस्पेंशन इसमें फ्रंट में यूज़ किया है, जो ठीक है सिटी कंडीशन के लिए, मगर बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता होगा तो आपको कंफर्टेबल राइडिंग प्लेजर नहीं मिलेगा जो एक्टिवा में अभी मिल रहा है। पहले एक्टिवा में और सारे पुराने स्कूटर में यही सस्पेंशन का यूज़ किया गया था, जिसका नाम है बॉटम लिंक विथ स्प्रिंग, और ये हाइड्रोलिक डंपर के साथ आता है। यानी इम्प्रूवमेंट तो है, मगर है तो पुरानी टेक्नोलॉजी, अभी इसमें टेलीस्कोपिक आना ज़रूरी है। रियर में आपको सिंगल आर्म विथ स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डंपर देखने को मिल जाएगा। ब्रेक आपको 130mm का फ्रंट और रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल आपका रहेगा 12V 4A का, और हेडलैम्प रहेगा 12V का LED प्रोजेक्टर, 12V 35V का हेडलैम्प रहेगा, हेलोजन बल्ब आपका VX और LX वेरिएंट में देखने को मिलेगा। टेल लैम्प रहेगा 12V 5V में, 21V मल्टी फोकल रिफ्लेक्टर टाइप का। टर्न इंडिकेटर भी आपके बल्ब वाले ही रहेंगे, और आपको इग्निशन सिस्टम फ्यूल इंजेक्शन वाली यानी ECU वाला सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से 50-55 प्लस का माइलेज सिटी में निकाल पाओगे। डायमेंशन की बात करें तो 1769mm की लेंथ मिल जाएगी, 704mm की वॉइथ मिल जाएगी, हाइट रहेगी 1161 की, व्हील बेस आपका 1238mm का, ग्राउंड क्लियरेंस 195mm का, फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपकी 4.8 लीटर की रहेगी, काफ़ी बढ़िया है। कर्ब वेट रहेगा 106kg ZX प्लस का और 104kg LX VX वेरिएंट का। वेट भी काफ़ी लाइट है, चलाने में कंफर्टेबल रहेगी। ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है, मगर सिटी में चलाने के लिए और जो इस तरह से इसका सीट हाइट है 99% प्रॉब्लम नहीं करेगा, सबके लिए कंफर्टेबल रहेगी। पेलोड कैपेसिटी रहेगी 130kg की, 130kg से ज़्यादा आएगा तो हो सकता है आपको इंजन पर ओवरलोड हो जाए। अब इसकी प्राइस के बारे में देख लेते हैं, तो प्राइस में आपको ये करीबन 5 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। LX वेरिएंट 72,152 रुपये से स्टार्ट होता है, और ब्लेजर प्लस VX आपका 76,802 रुपये का, ब्लेजर प्लस XTEC आपको 80,092 रुपये का, ब्लेजर प्लस XTEC जुबिलेंट येलो कलर आपका रहेगा 81,692 रुपये का, ब्लेजर प्लस एक्स कनेक्टेड फीचर जो आपको मैंने ऊपर मोबाइल एप्लीकेशन वाला फीचर दिखाया वो रहेगा 84,692 रुपये का। एक शोरूम मुंबई महाराष्ट्र का प्राइस है आज के दिन का। अब ये ब्लेजर के दो वेरिएंट है, एक
प्लेजर प्लस एक्सटेक और प्लेजर प्लस एक्सटेक कनेक्टेड, इन दोनों में आपको डिफरेंस में एक्सटेक कनेक्टेड में आपको फुल्ली कनेक्टेड फीचर मिलेगा, SOS अलर्ट मिलेगा, रिमोट इमोबिलाइजेशन मिलेगा और शेयर लोकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी एसेसरीज की, तो इसमें क्रीप कवर, हेलमेट और बहुत सारे मर्चेंडाइज है, जैसे कि फ्रंट में पूरा ये बॉडी प्रोटेक्शन ग्रिल देखने को मिल जाएगा, फिर मोबाइल होल्डर देखने को मिल जाएगा और हेलमेट वगैरह भी है। तो अब आपको डिसाइड करना है कौन सी स्कूटी आपको बेहतर लगती है चलाने के लिए। तो नज़दीकी शोरूम में जाइए और हीरो का शोरूम विजिट कीजिए, या फिर आपको दूसरी कोई गाड़ी पसंद आती है तो कमेंट में बताइए। वैसे मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आप प्लेजर की तरफ जाइए, क्योंकि प्लेजर में आप हीरो की तरफ से 5 साल की टेंशन फ्री वारंटी भी मिलेगी और काफ़ी लंबे टाइम से ये गाड़ी को हम देखते आ रहे हैं, इस पर भरोसा भी अच्छा खासा है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए